नमस्कार, मैं हूं गायत्री और स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस फैशन बुटीक में। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको उषा वंडर स्टिच के कुछ बेसिक फीचर्स बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सारे फीचर्स नहीं बता पाएंगे, इसमें हम आपको कुछ फीचर्स बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप इसे स्टिच कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और फीचर्स हम आपको हमारे आगे की वीडियो में बताते रहेंगे, जिस तरह से हम इसे यूज करेंगे हम आपको सिखाते रहेंगे। ये है पैटर्न सेलेक्टर डायल। यहाँ पर ए से जी तक इस तरह से नंबर बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो डॉट लगी है इसके बराबर इस तरह से आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप स्टिच का पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ हमारे पास स्टिच के पैटर्न बने हुए हैं ए से जी तक, और नीचे की तरफ दूसरी तरफ के पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से हम अगर इसे ए पर सेट करेंगे तो ये स्ट्रेट स्टिच करेगा इस तरह से, और अगर हम इसे इस तरह से सी पे करेंगे तो ये जिगजैग स्टिच करेगा इस तरह से। यहाँ पर ये हमारे पास है स्टिच लेंथ डायल। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है इस पर हम इस तरह से घुमा के इसे नंबर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम जितना कम नंबर रखेंगे उतनी छोटी स्टिच होएगी, और जितना ज़्यादा नंबर रखेंगे स्टिच लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम स्टिच लेंथ को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। और ये है बोबिन वाइंडर स्पिंडल। ये बोबिन केस में धागा भरने के काम में आता है। और ये है दो स्पूल पिंस। इसमें हम स्पूल लगाते हैं इस तरह से। ये स्पूल लगाने के काम में आती हैं। जब आप यूज़ करें तो आप इन्हें इस तरह से बाहर निकाल के रखें, और जब आप यूज़ ना कर रहे हों तो इन्हें इस तरह से वापस अंदर की तरफ इस तरह से डाल दें। और इस तरफ ये है हैंड व्हील। यहाँ पर ये हैंड व्हील है, और यहाँ पर ये हमारे पास है रिवर्स स्टिच बटन। तो इसे आप इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे तो ये रिवर्स स्टिच करेगी, और इसे वापस छोड़ देंगे तो ये फिर से सीधे स्टिच करने लगेगी। और यहाँ से हम इसके अंदर इस तरह से धागा डालते हैं। इस तरह से हम आपको बता देंगे किस तरह से इसके अंदर धागा डालते हैं मिडिल के अंदर। और यहाँ पर ये हमें मिलता है एसेसरीज स्टोरेज बॉक्स। तो इसके अंदर हमें कुछ फ्री एसेसरीज मिलती हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फ्री एसेसरीज मिलती हैं। इसके साथ मिल रही है आपको फ्री ये थ्री बॉबिन्स, टू थ्रेड स्पूल्स, थ्री नीडल सेट, और ये है राउंड हैमर फुट जो पिको करने के काम में आता है, और ये है जिपर फुट जो जिप अटैच करने के काम में आता है, ये है ब्लाइंड हैम फुट, और ये है स्लाइडिंग बटन होल फुट, और ये है स्क्रू ड्राइवर, और ये है सीम राइपर। ये स्टिच खोलने के काम में आता है, और इसकी हेल्प से हम बटन होल भी बनाते हैं। तो ये हमारी फ्री एसेसरीज हो गई हैं सारी। और ये है हुक कवर। तो इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें मिलेगा बॉबिन केस। इस तरह से हम बॉबिन केस को निकाल लेंगे और इसके अंदर है एक और बॉबिन। तो इस तरह से टोटल हमारे पास फोर बॉबिन है। तो इसे हम फिर से इस तरह से डाल देते हैं इसके अंदर धागा भर के, और इसे हम फिर से इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। इस सिलाई मशीन के साथ ये हमें एक और फ्री गिफ्ट मिला है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। इसके साथ हमें मिला है ये एक इंच टेप, एक सीजर, फाइव पीस नीडल, और इसके अंदर ये हमें मिले हैं कुछ धागा नलकी। इस तरफ ये हमारे पास है मशीन सॉकेट जिसमें हमने मशीन प्लग लगाया हुआ है। ये है पावर स्विच। ओ मीन्स ऑफ, और यहाँ पर जो वन बना हुआ है इसका मतलब है ऑन। जब आप इसे यूज ना कर रहे हो तो आप इसे इस तरह से ऑफ रखें, यानी कि ओपे रखें इसे, तो मशीन आपकी बंद रहेगी। अब हम आपको बॉबिन केस में मशीन से धागा किस तरह से भरते हैं वो सिखा देते हैं। तो इस तरह से हम स्पूल पिन को बाहर निकालेंगे और इसमें इस तरह से स्पूल लगाएंगे। यहाँ से एसेसरीज स्टोरेज बॉक्स को इस तरह से हटाएंगे
और हुक कवर को ओपन करेंगे। यहाँ से इस तरह से ये जो लैच है इसे हम पकड़कर इस तरह से बॉबिन केस को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमने बॉबिन केस बाहर निकाल लिया है, अब इसमें से हम बॉबिन को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉबिन पर इस तरह से ये बहुत छोटा सा होल है, तो इसमें से हम धागे को इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ धागा इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से और खींच लेंगे और अब इस बॉबिन को हम बॉबिन वाइंडर स्पिंडल पर इस तरह से सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया इसे, अब हम इसे राइट साइड में इस तरह से पुश कर देंगे। तो राइट साइड में हमने इसे इस तरह से पुश कर दिया है। अब यहाँ से धागे को हम बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड पर इस तरह से लपेट देंगे। तो इस तरह से हमने धागे को सेट कर दिया है। अब इस धागे को हम इस तरह से लगभग 5 से 6 इंच बाहर की तरफ इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ से अब हम हैंड व्हील को इस तरह से पकड़कर बाहर की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से हमने बाहर की तरफ इसे निकाल लिया है। अब इस धागे को हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे और फुट कंट्रोल को हम प्रेस करेंगे। इस तरह से थोड़ा धागा हम बॉबिन पे लपेटने देंगे इस तरह से। इसके बाद में हम इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से धागा बनना स्टार्ट हो गया है और ये हमारा है फुट कंट्रोल। इसे आप फुट से जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे मशीन उतनी ही तेज़ी से चलेगी और कम प्रेस करेंगे तो मशीन स्लो चलेगी। जब आप इस तरह से पावर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर नीडल के पास में लाइट जल जाएगी, इसका मतलब अब आपकी मशीन ऑन है। अब हम फुट कंट्रोल को प्रेस करके इस तरह से बॉबिन में जितना चाहें उतना धागा हम भर सकते हैं। धागा भर लेने के बाद में हम बॉबिन वाइंडर स्पिंडल को फिर से इस तरह से लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे प्रेस कर दिया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थ्रेड को यहाँ से कट कर लेंगे और हैंड व्हील को हम फिर से दबाकर इस तरह से अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से फिर से। अब हम बॉबिन को बॉबिन केस में डालेंगे। तो इस तरह से हम धागा सेट करेंगे, यहाँ से हम धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से इससे इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से खींच कर इसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने धागा लगा लिया है बॉबिन केस में। अब हम बॉबिन केस को लगाएंगे। तो इसके लिए हम बॉबिन केस का ये जो लैच है इसे हम इस तरह से उठाएंगे ऊपर की तरफ और ये बॉबिन केस का जो हॉर्न है इसे हम हुक रेस के अंदर इस तरह से फिट करेंगे। इस तरह से इसे फिट करके हम बॉबिन केस को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉबिन केस अच्छी तरह से लग गया है। अब हम हुक कवर को यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम आपको नीडल में थ्रेड लगाना सिखा देते हैं। यहाँ से हम थ्रेड को पकड़ेंगे और थ्रेड गाइड के अंदर इस तरह से हम थ्रेड को लगाएंगे। अब यहाँ से हम थ्रेड को इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ से हम इसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है, यहाँ से घुमाकर इसे फिर से हम ऊपर की तरफ लाएंगे और यहाँ से ये हमारा है थ्रेड टैग का लीवर। तो इसमें हम, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से निशान लगा हुआ है, तो इसी तरह से हम धागे को इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब हम थ्रेड को इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे फिर से और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे थ्रेड को, इस तरह से लाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक वायर जैसा यहाँ पर है, इसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे। अब हम नीडल में थ्रेड डालेंगे। तो यहाँ पर ये नीडल थ्रेडर है, इसकी हेल्प से हम इसमें थ्रेड डालेंगे। तो इसके लिए हम हैंड व्हील को घुमाकर नीडल को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर हम करेंगे इस तरह से। ये हमने ऊपर कर दिया है नीडल को। अब हम नीडल थ्रेडर को पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इसे हम इस तरह से पकड़कर नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर इसमें एक पतला सा वायर लगा है जो नीडल के इस तरह से आई से बाहर की तरफ आ जाएगा
और अब हम धागे को यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम धागे को लगाएंगे। इस तरह से हमने धागे को लगाया और अब हम इस निडिल थ्रेडर को पकड़कर इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। तो इस तरह से निडिल में धागा लग गया है, ये देखिए ये धागा निडिल की आई से बाहर निकल गया है। अब हम इसे पकड़कर इस तरह से खींच लेते हैं। इस तरह से निडिल में धागा लग गया है। अब हम बॉबिन केस से धागा ऊपर की तरफ लाएंगे। तो इसके लिए हम हैंड व्हील को धीरे धीरे अपनी तरफ इस तरह से घुमाएंगे और निडिल को हम नीचे की तरफ जाने देंगे इस तरह से। तो इस तरह से निडिल नीचे की तरफ जाएगी और हैंड व्हील को हम घुमाएंगे तो ये नीचे का धागा पकड़कर ऊपर की तरफ ले आएगी। तो ये देखिए ये नीचे का धागा ऊपर की तरफ आ गया है इस तरह से। यहाँ पर ये है प्रेशर फुट लिफ्टर, इसे आप पकड़कर इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे तो प्रेशर फुट ऊपर हो जाएगा और इसे आप नीचे की तरफ करेंगे तो प्रेशर फुट नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर ये फुट होल्डर के पीछे की तरफ ये एक लीवर है, इसे आप इस तरह से दबाएंगे तो प्रेशर फुट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर प्रेशर फुट चेंज करना हो तो आप इस तरह से आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप दूसरा प्रेशर फुट इस तरह से लगा सकते हैं। प्रेशर फुट को इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके रखें निडिल के नीचे और यहाँ से आप प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की तरफ करें। इस तरह से प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे की तरफ करेंगे तो ये अपने आप प्रेशर फुट को होल्ड कर लेगा। इसे अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे तभी इसको अच्छी तरह से होल्ड करेगा। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये प्रेशर फुट अटैच हो गया है दूसरा। तो इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रेशर फुट बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको इसे फैब्रिक पर स्टिच करना सिखाएंगे। तो ये हमने नॉर्मल जिगजैग फुट जो मशीन में लगा हुआ है उसी से हम आपको स्टिच करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको स्ट्रेट स्टिच करना सिखा देते हैं। तो इसके लिए पैटर्न सिलेक्टर डायल को हम ए या बी पे रखेंगे। तो हम इसे ए पर रख रहे हैं इस तरह से। स्टिच लेंथ हम 1.5 से 4 तक रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप स्टिच लेंथ रखेंगे उतनी बड़ी स्टिच आएगी। ये है थ्रेड टेंशन डायल। थ्रेड टेंशन डायल आप 2 से 6 तक रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक निशान बना हुआ है। तो इसकी तरफ आप जो नंबर रखेंगे वो आपका थ्रेड टेंशन होगा। तो हम ये 4 रख रहे हैं यहाँ पर। आप 2 से 6 तक रख सकते हैं। अब फैब्रिक को हम इस तरह से प्रेशर फुट के नीचे लगाएंगे और फुट कंट्रोल को हम प्रेस करेंगे जिससे कि हमारी सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आपको स्टिच लेंथ 4 पे रखकर स्टिच करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप नंबर बढ़ा के स्टिच लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो अब हम 4 पे रखकर स्टिच करेंगे और हम आपको डिफरेंस बताएंगे कितना डिफरेंस आता है स्टिच लेंथ में। ये देखिए ये 2 पे किया तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास स्टिच आएगी। अब हम स्टिच लेंथ 4 रख रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमने 4 पे रखकर स्टिच किया है तो इस तरह से हमारे पास बड़ी बड़ी स्टिच आई है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब जब हमें दूसरी साइड स्टिच करना हो तो हम हैंड व्हील को इस तरह से घुमाएंगे और सुई को फैब्रिक के अंदर इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ से आप प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की तरफ करें और कपड़े को इस तरह से घुमाएं और फिर से इसे नीचे की तरफ करें और 2-3 स्टिच आप इस तरह से लें और सुई को फैब्रिक के अंदर की तरफ ही रखें इस तरह से। अब प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की तरफ करें और इस तरह से फैब्रिक को घुमाकर आप जिधर चाहें उधर फैब्रिक को मोड़ सकते हैं। अब हम यहां से फिर से दूसरी साइड सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको जिगजैग स्टिच सिखाएंगे। तो अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पे रखेंगे। तो अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को जिगजैग स्टिच पे करेंगे तो
तो इसका आप खास तौर से ध्यान रखें कि नीडल जो है आपके अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। हैंड व्हील को घुमाकर नीडल को इस तरह से ऊपर की तरफ कर दें। अगर आप अंदर की तरफ ही नीडल को रखेंगे और पैटर्न सिलेक्टर डायल जिगजैग पर करेंगे तो आपकी नीडल मुड़ जाएगी या फिर टूट जाएगी। तो ये ध्यान रखें, आपकी नीडल जो है वो ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए हमेशा, जब भी आप पैटर्न सिलेक्टर डायल पर स्टिच सेट करें इस तरह से। तो अब हम इसे सी पे करेंगे और जिगजैग स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम सी पे कर देते हैं इसे। स्टिच लेंथ आप 0.5 से 4 तक रख सकते हैं। कम नंबर रखेंगे तो स्टिच छोटी आएगी और ज्यादा नंबर रखेंगे तो स्टिच बड़ी आएगी। तो हम 3 पर रखकर आपको बता रहे हैं। थ्रेड टेंशन हम 2 से 5 तक रख सकते हैं। इस तरह से इसे घुमाकर थ्रेड टेंशन को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम आपको 3 पे रख के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी जिगजैग स्टिच हो गई है इस तरह से। अब हम आपको डी वाली स्टिच करके बताते हैं। तो इसके लिए आप पैटर्न सिलेक्टर डायल को डी पर करें और उससे पहले आप नीडल को हैंड व्हील को घुमाकर ऊपर की तरफ कर लें इस तरह से। अब आप पैटर्न सिलेक्टर डायल को डी पर सेट करें। तो ये देखिए, ये हम ये वाली स्टिच बता रहे हैं आपको, डी वाली। और स्टिच लेंथ हम 0.5 से 1.5 रखेंगे। थ्रेड टेंशन आप 1 से 4 तक रख सकते हैं, तो हम 4 रख रहे हैं। इस तरह की स्टिच का यूज हम सिंथेटिक और अदर फैब्रिक होते हैं उनके सीम अलाउंस को फिनिश करने के यूज में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टिच का पैटर्न इस तरह से होगा। तो इसी तरह से हम ई, एफ और जी वाली स्टिच भी बना सकते हैं, जिस तरह से हमने आपको ये दो स्टिच बताई हैं उसी तरह से। ये देखिए, ये हमने ई और एफ वाली स्टिच पैटर्न भी हमने बना ली है इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए, ये ई और एफ ये वाली स्टिच भी हमने बना ली है। अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को रखेंगे जी पर। स्टिच लेंथ हम रखेंगे एस एस पर। इस तरह से ये हमने एस एस पे स्टिच लेंथ सिलेक्ट कर ली है। थ्रेड टेंशन हम रखेंगे 1, 2, 4, तो हम 3 रख लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की स्टिच बनी है। और इस तरह की स्टिच का यूज मैक्सिमम स्विम वियर और जो स्ट्रेची फैब्रिक होते हैं उन पर किया जाता है। ये वाली स्टिच हमने बनाई है जी पर रखकर, और इसके लिए हमने स्टिच लेंथ एस एस पर रखा था और पैटर्न सिलेक्टर डायल हमने जी पर रखा था। अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को एफ पर करेंगे। तो ये वाली स्टिच हम बता देते हैं आपको किस तरह से करनी है। तो स्टिच लेंथ हम एस एस ही रखेंगे और पैटर्न सिलेक्टर डायल को हम एफ पर करेंगे। और अब हम ये वाली स्टिच भी आपको दिखा देते हैं।
तो ये देखिए ये इस तरह की स्टिच आएगी एफ पर। अब हम आपको ई वाली स्टिच भी बता देते हैं। तो इसके लिए हम स्टिच लेंथ ऐसे ऐसे ही रखेंगे और पैटर्न सिलेक्टर डायल को हम ई पर करेंगे। और अब हम की वाली स्टिच भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए ई पर इस तरह की स्टिच आएगी। अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को डी पर करेंगे। स्टिच लेंथ हम ऐसे ऐसे ही रखेंगे और इसे हम डी पर कर देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह की स्टिच आएगी। अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को सी पर रखेंगे। हम आपको सी पर रखकर ये वाली स्टिच भी बता देते हैं। स्टिच लेंथ हम ऐसे ऐसे ही रखेंगे और यहां से हम सी पर करेंगे। ये देखिए इस तरह की स्टिच आएगी सी पर। अब हम पैटर्न सिलेक्टर डायल को ए पर करेंगे। तो ये हम ऐसे ऐसे रखेंगे स्टिच लेंथ और पैटर्न सिलेक्टर डायल को अब हम ए पर करेंगे इस तरह से। इस तरह की स्टिच में दो स्टिच आगे की तरफ और एक स्टिच पीछे की तरफ आती है। तो इस तरह की स्टिच होती है वो आसानी से खुलती नहीं है। ये देखिए इस तरह की स्टिच आएगी जिसे आप आसानी से खोल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ये वाले हमारे बटन होल बनाने के काम में आते हैं। तो ये हम आपको हमारे और वीडियो अपलोड करेंगे, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बटन होल बना सकते हैं। बटन होल बनाने के लिए हम स्टिच लेंथ को इस तरह से जो निशान बना हुआ है इस पर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इन पर सेट करके बटन होल बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये BH बटन होल के लिए निशान दिया हुआ है। हम आपके लिए और नए वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से बटन होल बना सकते हैं, किस तरह से आप इसे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और हमने आपको ये जो स्टिचेस बताई हैं ये किस तरह से यूज होती हैं, क्योंकि हर स्टिच का अपना एक अलग यूज है। तो हम आपको हमारे और नए वीडियो बनाएंगे जिनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इस सिलाई मशीन से साड़ी फॉल भी लगा सकते हैं, किस तरह से पिको कर सकते हैं, इंटरलॉक कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे और नए वीडियो में। हमारे और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएंगे।